पुणे में एफटीआईआई छात्रों को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीती रात पुलिस ने 5 छात्रों को निदेशक प्रशांत पथरावे के घेराव समेत कई आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। विपक्षी राजनीतिक दलों और फिल्म से जुड़े लोगों ने इसकी आलोचना की। पुणे के फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में घुसकर पुलिस ने 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। एफटीआईआई निदेशक ने 17 छात्रों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। जिन छात्रों पर केस दर्ज हुआ है उसमें 3 लड़कियां शामिल हैं। आरोप है कि छात्रों ने संस्थान के डायरेक्टर को 6 घंटे तक बंधक बनाकर रख लिया और इसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। डायरेक्टर ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास पुलिस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छात्रों की कार्रवाई असहनीय थी। अबाउट 6 पीपल हैड बीन आस्क्ड टू कम एंड 40 to 50 पीपल केम इन forcefully and I had no choice but to start a discussion with them in that small room. So it started with an issue of unlawful assembly, the whole meeting. I had no choice. After the discussion on the agenda of assessment, when I told them my decision, they said we will not allow you to go. Unlawful assembly, that is 143, 147, 149 IPC, along with hurt, three simple hurt, 323. 341, that is wrongful confinement, attack on the public servant, that is deterring public servant from his duty, that is 353, and damage to prevention of damage to public property act section 3. दूसरी ओर छात्रों को आधी रात को गिरफ्तार करने पर उसकी कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों ने इस फैसले को अनुचित करार दिया। हमने सरकार हमने डायरेक्टर साहब से सवाल उठाया कि अगर टीचर्स ने आपको लिख के दे दिया है कि ये समय असेसमेंट करने के लिए अनुकूल नहीं है और जो फिल्में पूरी ही नहीं है उसके असेसमेंट आप कैसे करेंगे और आप किस बिना पे असेसमेंट कर रहे हैं अगर आपने एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग भी नहीं बुलाई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है जिसका मैं पालन कर रहा हूं। अंत में पूरे मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। 70 दिन से जो स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर उनको डायरेक्टर साहब जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देगा। इस गिरफ्तारी की बॉलीवुड में कड़ी निंदा हो रही है। गिरफ्तारी की निंदा करने वालों में शेखर कपूर, रजत कपूर और हंसल मेहता जैसे जाने माने लोग शामिल हैं। फिल्मकार शेखर कपूर ने ट्वीट कर लिखा है कि एक समय था जब एफटीआईआई को एशिया के सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूलों में से एक माना जाता था और यहां से खूनहार लोग निकलते थे, लेकिन अब क्या हो गया है। दूसरे लोगों ने भी इस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। नहीं, मैं समझता हूँ इसका कोई राज, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बंद पड़ा रहे अच्छी बात नहीं है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने बहुत टैलेंटेड लोगों को दिया है फिल्म इंडस्ट्री को, और उन पे हम कितना भी नाश करें कम है, तो इस इंस्टीट्यूशन की हिफाजत होनी चाहिए और इस तरह से इसमें लॉक जैम रहे ये अच्छी बात नहीं है। बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के अंदर फासीवाद जो है, डिक्टेटरशिप जो है, अपने पंजे बढ़ा रही है। केजरीवाल ने ट्वीट करके एफटीआईआई के छात्रों को दिल्ली में पढ़ाई के लिए जगह देने की बात कही है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गिरफ्तार किया गया, छात्र अपराधी नहीं हैं। अच्छे दिन का मंत्र। दरअसल छात्र 2008 के प्रोजेक्ट असेसमेंट को लेकर नाराज हैं। इसके पूरे होने के बाद उन छात्रों को कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा, जो 7 साल से इसी के नाम पर कैंपस में पड़े हैं। छात्रों की गिरफ्तारी के बाद बढ़ते बवाल को देखते हुए सरकार ने 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी को एफटीआईआई भेजने का फैसला किया है। ये टीम गुरुवार को संस्थान पहुंचकर अपने स्तर पर मामले की जांच करेगी। एफटीआईआई के छात्र गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष बनाए जाने पर नाराज हैं और तकरीबन 2 महीने से ज्यादा समय से हड़ताल पर हैं। समय के लिए पुणे से प्रतिभा चंद्रन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।